सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हो चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम आपको करवाने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो हमारी बुक्स है वो लगातार हमारी कंटिन्यूसली जारी है और हम इसको कंप्लीट करवाने में लगे हुए हैं। तो इसके मैं दो चैप्टर डाल चुका हूँ, यूनिट फर्स्ट क्लियर हो गई थी, यूनिट सेकेंड का चैप्टर वन जो पर्सनैलिटी है वो मैं डाल चुका हूँ, आप जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकेंड का चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है परसेप्शन। आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये रहा चैप्टर सेकेंड परसेप्शन, यूनिट सेकेंड, सेमेस्टर सिक्स्थ है, कॉमर्स की बुक है, जो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के जो बच्चे हैं, प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, उन सबके लिए मैं धीरे धीरे टॉपिक्स कवर करवा रहा हूं बुक्स के, ठीक है। और जो आपकी बुक्स है, बुक्स के हिसाब से जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे बिल्कुल एज ए टीज कवर करवा रहा हूं, कोई इसमें से मिस नहीं कर रहा। तो आइए वीडियो को करते हैं चालू। एक चीज और बता दूं, अगर किसी को नोट्स लेना है तो नोट्स रेडी है, थोड़े बहुत रेडी हो रहे हैं तो हो जाएंगे। तो उससे पहले अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स हमसे परचेज कर सकते हो। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो इंट्रोडक्शन, यहाँ पे जो चैप्टर नंबर आपका यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर भी सेकंड है, परसेप्शन। परसेप्शन होता क्या है, 2.1 में यहाँ पे सबसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज परसेप्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परसेप्शन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हम देते हैं। तो देखो, अभी आप क्या देख रहे हो, अभी आप मेरे को देख रहे हो, ठीक है, आपके माइंड में क्या चल रहा है कि ये जो लड़का ये क्या कर रहा है, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो क्या करते हैं, जिनको ये सब्जेक्ट से मतलब नहीं है तो वो सोच रहे हैं कि ये क्या पढ़ा रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि वो सुन रहे हैं मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो अपने माइंड में एक अलग सा ही माइंडसेट बना लेंगे। जो बच्चे जानते हैं कि बुक्स पर जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो ये जानते हैं, तो वो फोकस मेरी लैंग्वेज पे कर रहे होंगे, वो समझने पे फोकस कर रहे होंगे, और वो मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, लाइट वाइट वगैरह वगैरह जो आप देख रहे हो, जो आप इमेज दिमाग में क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए, वो आपका परसेप्शन होता है। क्या होता है, परसेप्शन, समझ आ गया। तो बस इसी को परसेप्शन कहते हैं, मैंने सिंपल भाषा में समझाया आपको। अब आगे पढ़ते हैं इसकी भाषा में, इसकी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखो, इन सिंपल सेंस परसेप्शन मींस परसीविंग इन आईजी गिविंग मीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस। मतलब क्या होता है परसेप्शन का, मतलब होता है कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हम उसको जब देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद जो माइंडसेट हम अपने दिमाग में बनाते हैं उसके लिए, तो वो परसेप्शन होता है। और आप जो हो, अभी आप क्या कर रहे हो मेरे बारे में अगर सोच रहे हो, तो आप प्रीसीविंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्री रिसीविंग, ठीक है। और मैं जो हूँ वो आपका परसेप्शन हूँ, मैं आपका टारगेट हूँ, मतलब आप मेरे बारे में अभी सोच रहे हो, ठीक है। तो ये होता है परसेप्शन, समझ आ गया। देन उसके बाद आगे बोलता है कि अराउंड अस इट इज प्रीसीविंग एंड ऑब्जेक्टिव व्हाट आर दे फॉर फेस्ड विद। मतलब कि जो भी आपके सामने है, जिसके साथ भी आप अटैच हो रहे हो, अभी जिसके साथ बैठे हो, तो वो आपका परसेप्शन हो जाता है, वो पूरा माहौल जो आपका क्रिएट है वो परसेप्शन होता है, जिसको आप अपने माइंड सेट में उतारते हो एज इट इज, उसको हम कहते हैं यहाँ पे परसेप्शन। आपको समझ आ गया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ परसेप्शन। अब बात करते हैं परसेप्शन के बाद, ये जो डेफिनेशन है परसेप्शन बनाया किसने, तो एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूडाई प्रेक एंड अदर्स, इन्होंने परसेप्शन की डेफिनेशन लिखी थी। वो डेफिनेशन क्या थी, परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, यहां पे लिखा सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद लिखा है इंटरप्रेटिंग, चेकिंग एंड रिलेटिंग, सॉरी रिएक्टिंग टू द सेंसरी सिमिलरली और डाटा। मतलब कि क्या होता है, सिंपल सी भाषा में, अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो, देखने के बाद उसको ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, पहले देखते हो, फिर उसको ऑब्जर्व करते हो, फिर अपने माइंड सेट में छोटी छोटी चीज़ें उससे रिलेटेड बनाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, सोचना स्टार्ट करते हो। जब वो पूरा चित्र बन के तैयार हो जाता है, तो फाइनली जो डाटा एनालाइज होता है उसको आप बोल सकते हो ये परसेप्शन है, समझ आ गया। इसको अगर हम अकाउंट्स की भाषा में बोले तो भी ये भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। परसेप्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे माइंडसेट के जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है हमारी नोज, जो कि हमारा स्मेलिंग का काम करती है। सेकंड आता है आईज, जो हमारी साइट का काम करती है। थर्ड आता है हमारे ईयर्स, जो कि हेयर का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है वो आता है हमारा टच, मतलब कि हम किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं वो चीज़, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारी टंग, जिससे हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करके पहचान सकते हैं। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनका इस्तेमाल करके आप जो अपनी दिमाग में इमेज क्रिएट करते हो वो परसेप्शन कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा परसेप्शन होता क्या है। देखो 2.2 में जो आपके डिफरेंस दे रखा है, परसेप्शन डिफरेंस फ्रॉम सेंसेशन, यहाँ पे उन्होंने लिखा है परसेप्शन और सेंसेशन, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है छोटा सा, वो आपको समझना है, ठीक है। जब आप वो समझ लोगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा इस चैप्टर को आगे पढ़ना। तो देखो सिंपल सी बात बताऊंगा बिल्कुल, परसेप्शन क्या होता है, सेंसेशन क्या होता है। पीपल्स यूजुअली मीन सेंसेशन एंड परसेप्शन द सेम, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि परसेप्शन और सेंसेशन दोनों सेम होते हैं, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस उस छोटे से डिफरेंस को समझना है आपको। तो देखो इसमें सेम नहीं होता कुछ भी, सेंसेशन में भी
described the response of physical sensory organs to some stimuli. इन्होंने लिखा यहाँ पे जो sensation होता है वो क्या करता है, हमारे जो sense organs है जो हमें जिसके बारे में बताते हैं, अभी आप मेरे को देख रहे हो, मेरे बारे में thought कर रहे होंगे, तो ये जो thought है अभी आप सोच रहे हो, ये sensation करना है, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को देखते हो, उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में चीज़ों को इकट्ठा करते हो एक एक जगह से, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद जब वो पूरा डाटा एनालाइज करके जो आपके सामने आता है वो होता है परसेप्शन, और जब आप डाटा एनालाइज कर रहे होते हो तो उस जगह पे जो आपके सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं वो होता है हमारा सेंसेशन। समझ आ गया? तो देखो बस यही दोनों में डिफरेंस था, तो दोनों को बिल्कुल भी मिक्स मत करना। एक में आप डाटा एनालाइज करते हो, एक में एनालाइज करके जो आपके सामने रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं परसेप्शन, ठीक है। उसके बाद आवर फिजिकल सेंस विजिंग, यहाँ पे मैंने आपके जो सेंस ऑर्गन्स बताए थे, देखो यहाँ पे ही रहा विजिंग। विजन मतलब होता है अपनी जो आई से आप देखते हो, हियरिंग मतलब कि सुनना कानों से, टच मतलब कि फील करना, स्मेल यानी नोज, एंड टेस्ट, ये जो पांच सेंस ऑर्गन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर कंटिन्यूसली बॉम्बर्ड बाय मेम्ब्रेनस स्टिमुली, उसके बाद लिखा है दैट्स आर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, कह रहा है हमारी बॉडी के अंदर हर जगह पे सेंस ऑर्गन मौजूद हैं, ठीक है। ये पांच सेंस ऑर्गन है जिसके हिसाब से हम किसी को पर्सनैलिटी को जज करते हैं, किसी बंदे को जज करते हैं, ठीक है, उसकी जो खूबी है उसको जज कर सकते हैं। तो ये थे आपके दोनों में डिफरेंस, मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। तो इसके बाद अब इसके एग्जाम्पल लेके मैं आपको दो चीज़ें दो लाइन समझाना चाहता हूँ, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके दोनों में डिफरेंस क्या है। यू बाय ए टू व्हीलर दैट्स यू थिंक इट इज़ ए बेस्ट, ठीक है, मतलब कि आप एक दो पहिए वाली व्हील चेयर खरीदते हो, आप सोचते हो ये जो है सबसे बेस्ट है, ठीक है। हम जब कुछ खरीदते हैं तो हमें ये लगता है हम ये सबसे बेस्ट खरीद रहे हैं, बट नॉट दैट वन, मगर वो बेस्ट नहीं है, दैट ऑल इंजीनियर्स से इज द बेस्ट, अब जो इंजीनियर्स हैं वो बेस्ट है, ना कि वो व्हील चेयर बेस्ट है, ठीक है। हम सोचते हैं वो व्हील चेयर ले ली ये बेस्ट होगी सबसे हमारे हिसाब से, मगर वो जो बनाने वाले इंजीनियर वो बेस्ट है, ना कि वो व्हील चेयर बेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा माइंड सेट होता है। बस सेकेंड एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ए सबॉर्डिनेट आंसर टू ए क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन व्हाट ही हियर्ड हिज बॉस सेज, एक जो सबॉर्डिनेट है उससे अगर कोई प्रश्न पूछा जाए किसी बॉस द्वारा, तो उस बॉस का जो उत्तर है वो सबॉर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है बॉस को किस नज़रिए से लेता है, मतलब कि बॉस के जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सुनता है, उसको रिसीव करता है, ठीक है। उसके बाद बट नॉट ऑन व्हाट द बॉस एक्चुअली सेड, और इस बात पे कभी भी क्या बोलते हैं, इस बात पे कभी भी अप्लाई नहीं करता कि बॉस ने एक्चुअली में क्या कहा, वो क्या जानना चाहते हैं, वो रिसीव जो कर रहा है वो इस बात पे रिसीव करता है कि मतलब कि जो आंसर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉस ने एक्चुअली क्या कहा, ठीक है, और बॉस जो वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है माइंडसेट कॉमनली समझने वाला। तो ये थे इसके दो एग्जांपल, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसको उतारना चाहते हो तो इसको उतार सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स करवाते हैं आपको, तो इसको उतार लो। तो अब हम आ चुके हैं हमारी 2.3 पे। 2.3 में लिखा है सबसे पहले प्रीसेप्चुअल कॉन्सेप्ट या फिर प्रीसेप्चुअल प्रोसेस। तो आपको ये जानना जरूरी है, अगर आप किसी के बारे में प्रीसेप्शन करते हो, उसके बिहेवियर के बारे में जानते हो, तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है छोटी सी, ठीक है। तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट पे आता है यहाँ पे इनपुट्स। इनपुट्स मतलब होता है स्टिमुली। स्टिमुली मतलब होता है अगर आप किसी चीज़ के बारे में कुछ भी सोचते हो, उसकी छोटी 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 बारीक बारीक चीज़, जैसे कि अभी आप मेरे को देख रहे हो, अभी आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, एक मार्कर, मेरी येलो टी शर्ट, और मैं, और बोर्ड, और लाइटिंग, और यहाँ पे थोड़ा डोर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी, और ये जो अक्षर वर्ड्स लिखे हैं ये सारे आपको दिख रहे होंगे। जब ये सारी चीज़ें आप जोड़ लेते हो, जैसे कि आपने वर्ड्स जोड़ लिए, पेन जोड़ लिया, मेरे को जोड़ लिया, बोलते हुए जोड़ लिया, तो सारी चीज़ें जोड़ने के बाद आपको क्या लगता है, ये एक पूरा का पूरा सेटअप कौन सा है, एजुकेशन सेटअप है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो सेटअप है पूरा इनपुट, ये स्टिमुली होता है, ठीक है। सेकेंड इसके बाद आता है जो कि यहाँ पे है थ्रोपुट्स, ठीक है। थ्रोपुट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आता है सिलेक्शन। अब आपको जब वो छोटे छोटे इनपुट्स को जोड़ लेते हो, उनके जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे देखना होता है आप थ्रो आउट क्या निकालने वाले हो, उसका जो मोरल है रिजल्ट, वो रिजल्ट की तरफ उसको जोड़ने लगता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरप्रिटेशन, धीरे धीरे उसको जो इमेज आपने बनाई थी, जो सबको जोड़ा था, पेन, कॉपी, बोर्ड, लाइट, मेरे को, सबको आप धीरे धीरे मर्ज करते हो, जोड़ते हो, ठीक है। देन जब उसको आप जोड़ लेते हो तो थर्ड आता है आपका रिजल्ट, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट मतलब होता है वो टाइम जहाँ पे एक्शन होता है, एक्शन टाइम, ठीक है। और इस जगह पे आप पूरा जोड़ के ये प्रिजर्व करते हो, ये देखते हो कि हाँ ये जो बंदा है ये हमको पढ़ा रहा है, ठीक है, या फिर ये बंदा जो है ये फिल्म बना रहा है कोई, तब आपको पूरा जो एग्जैक्ट नॉलेज पता चलता है कि ये पढ़ा रहा है। जैसे कि आप सपोज करो आपने एक फिल्म देखी, स्टार्ट करी, आपने फिल्म देखनी स्टार्ट करी, जैसे मान लो आर 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 अभी कोई नई फिल्म आ रही है, आपको नहीं पता उसमें क्या होने वाला, ट्रेलर देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जब आप
फिल्म देखते हो तो धीरे 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 सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने लगते हैं कि कौन किसकी माँ है, ये हीरो क्यों आया है, ये इसका भाई है, पुराने जन्म की फिल्म है, ये किस तरह की फिल्म है। पूरी फिल्म देखने के बाद आपका परसेप्शन बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका परसेप्शुअल प्रोसेस काम करता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दीज एंड टर्न। इनकी जो टर्म्स है, इनके जो टर्न्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, 5 मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे हैं, तो ये 4 है तो मैं बाकी अभी लिखवाऊंगा। सबसे पहले आता है यहाँ पे रिसीविंग स्टिमुली, मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ के परसेप्शन हो या फिर जो कोई भी चीज़ है अगर आप रिसीव करते हो किसी भी दौरान, ठीक है, उसमें क्या होता है, द स्टिमुली आर रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस सोर्स। जो स्टिमुली है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज से आप रिसीव कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर एक सोर्स से नहीं हो सकता। थ्रो ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन्स द रिसेप्शंस, उसके बाद लिखा है ऑफ स्टिमुली इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ परसेप्शन प्रोसेस। ये एक परसेप्शन प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनके द्वारा आप छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। सेकंड चीज आती है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। जो सिलेक्शन है, अब आपको उसमें से देखना है कि आप उसमें से क्या क्या चीजें जो अपने पास रखते हो, क्या क्या चीजें जो थ्रो आउट करते हो। तो द They cannot estimate all what they observe and receive from the environment. मतलब कि आप क्या environment से receive कर रहे हो, क्या आप देख रहे हो, क्या देखना चाहते हो at the time, उस समय पे they select some stimuli for further processing of attaching, या फिर बोल सकते हो attach meaning of the terms while the respect and rest from the screened out। और आप जब उसको attach कर लेते हो, जोड़ लेते हो, then उसके बाद जो result, जो action बन के आता है आपके आगे, तो वो क्या image है वो आपको दिखाता है वो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे selection of stimuli is not made of the random। जो भी अगर आप मतलब सोचते हो वो एकदम से रैंडम से आप किसी की चीज़ के बारे में जज नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि रैंडमली अभी मैंने किसी चीज़ को देखा और मैं समझ गया कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। हम उसको धीरे धीरे सोचते हैं, बट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। ये कह रहे हैं यहाँ पे ना 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, एक होता है इंटरनल फैक्टर। दोनों फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। सपोज करो मैंने आपको एक चीज़ दी है, मैंने एक बिस्कुट का पैकेट पकड़ाया, आप उसके एक्सटर्नल फैक्टर में क्या सोचोगे कि ये क्यों पकड़ाया है, ठीक है, खाने के लिए दिया है या देखने के लिए दिया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको सोचना होता है, इसको हम बोलते हैं परसेप्शन। जो आमतौर पे जो लोग हैं ना वो अपने आप ही परसेप्शन जो है ना वो बनाते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से, जैसे आप अभी बना रहे हो। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे इनका आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ स्टिमुली। जो स्टिमुली है उसके ऑर्गेनाइजेशनल क्या होती है, ठीक है, और किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मैंने, Having selected stimuli of data, these needs for organized in some form as in the assign some meanings of them। अगर हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उसको क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसके ऑर्गेनाइज करने का मोटिव क्या है, उससे होने क्या वाला है, तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। और देन उसके बाद आपको उसका मीनिंग जो है वो आपको निकल कर आएगा, आपको पता चलेगा। तो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के जो कैटेगरी है इसको 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला आता है ग्रुपिंग, क्लोजर, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, आपकी बुक्स में दे रखा होगा, तो इसके डेफिनेशन में आपको लिखवाऊंगा नहीं, बस बता रहा हूँ। देखो ग्रुपिंग क्या होता है, अगर मान लो आपके ग्रुप से आपका जो वर्कर्स का ग्रुप है या फिर टीम है, आपकी जो टीम में मान लो 50 से 60 मेंबर है, हर एक के पास अगर मालिक जाता है तो हर एक का काम करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, डिफरेंट डिफरेंट वे होता है, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है और सबके हिसाब से परसेप्शन अलग होता है, ठीक है। सपोज करो मैंने एक गड्ढा खोद दिया, उस गड्ढे के पास मैं उन अपने 50 वर्कर्स को लाके अगर ये बोलूं कि यहां पर जो गड्ढा है इस गड्ढे में क्या होने वाला है, सबकी फीलिंग्स अलग अलग होगी। कोई कहेगा उस गड्ढे में किसी को डाला जाएगा, कोई कहेगा ये गड्ढा इसलिए खोदा गया यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगे, कोई कहेगा गड्ढा इसलिए खोदा गया ताकि हम इसको दोबारा से रिनोवेट कर सकें अच्छा लगे। तो सबकी जो परसेप्शंस है, जो थिंकिंग है, वो अलग अलग होती है। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया, अब आप लोग इसको देख रहे होंगे, अब आप भी सोच रहे होंगे मैंने डॉट क्यों लगाया, ठीक है। एक्चुअली ना मैंने ये डॉट बिल्कुल फालतू में लगाया है, इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको मिटो देता हूँ, ठीक है। मगर आप क्या सोच रहे होंगे ये डॉट मैंने क्यों लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई थिंकिंग नहीं थी, मगर सबका सोचने का तरीका अलग है। कुछ लोगों ने गैस कर लिया होगा कि मैंने फालतू में लगाया, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मैं कुछ लिखवाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग, ग्रुपिंग में सबके डिसीजंस को देखा जाता है। सेकंड आता है यहाँ पे क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है ये देखा जाता है कि कौन सा परसेप्शन ज़्यादा क्लोजर रहेगा। अगर मान लो मैंने आपको बोला है गड्ढा खोदने को, सिंपल सी वही वाली बात बताता हूं, देखो तो कौन सा मेरे डिसीजन से मैच खाने वाला है। मान लो ये गड्ढा खोदने को कहा मैंने, तो अब मैंने गड्ढा क्यों खोदा है, सब अपने ओपिनियन देंगे, तो ये गड्ढा किसने खोदा है, कौन सा वर्कर ऐसा ओपिनियन देगा जो मेरे ओपिनियन से मैच खाता हो, क्लोजर हो, तो उसको बोलते हैं यहां पे क्लोजर।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवर वेल थिंकिंग, ठीक है, मतलब कि अच्छे से परसेप्शन करना। लास्ट आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, कुछ परसेप्शंस ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग निकल कर ही नहीं आता, उनके मीनिंग बनाए जाने पड़ते हैं। सपोज करो कोई कोई चीज़ ऐसे होती है जिनको हमें करना तो पड़ता है मगर समझ नहीं आता क्यों कर रहे हो। अगर ये जो वीडियो है, अगर आप देख रहे हो, आप बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई और बच्चा अगर मान लो इसको देख रहा है तो वो इसको देखेगा, सुनेगा मगर लास्ट में बोलेगा क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अगर पहली क्लास का बच्चा मेरी वीडियो देखेगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, बस वो सुनता रहेगा, समझ आ रहा है, बोल मैं कह रहा हूँ सुन रहा है वो, मगर उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि उसका वहाँ परसेप्शन नहीं है, इंटेंशन नहीं होगा सुनने का, तो वो नहीं सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता है सिंप्लीफिकेशन, अपने आप को माइंड सेट को क्लियर करना कि आप किस परसेप्शन में जाना चाहते हो, अपने विजन को क्लियर रखना। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स थे। देन उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, देखो द डाटा कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड रिमेन मीनिंगलेस फॉर द प्री रिसीवर टेल दीज आर असाइंड, मतलब कि जो परसेप्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्री रिसीवर होते हैं, किसी के द्वारा आ सकते हैं, ठीक है, किसी को देख के आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं परसेप्शन होती है। उसके बाद असाइनिंग मीनिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, और अगर हमने उन परसेप्शन का करेक्टली मीनिंग निकाल लिया तो मीनिंग ऑफ द परसेप्शन इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आप बोल सकते हो इंटरप्रिटेशन बोलते हो उसको। ठीक है, उसके बाद द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन देयर एंटायर प्रिंसिपल प्रोसेस, और ये जो है ये पूरा का पूरा प्रिसेप्चुअल प्रोसेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इंटरप्रिटेशन, मतलब कि आप रिजल्ट क्या निकालने वाले हो। ठीक है, और इसी पे बेस करता है आगे के सारे फैक्टर। तो ये थे आपके चार पॉइंट्स, तो एक पॉइंट से रहता है फाइव, और इसके कुछ पार्ट्स हैं वो मैं अभी आपको लिखवाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और उसको उतार लो फ्रेंड्स। तो इंटरप्रिटेशन के बाद उसके कुछ पॉइंट्स जो रहते थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं होलो इफेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इस तरह से लिखे हैं, होलो इफेक्ट, एट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिखा है सेटोट्राइपिंग, पर्सनैलिटी, सिचुएशन और प्री रिसीवर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली सी जो मैंने आपको बताई थी अभी अभी। ठीक है, होलो इफेक्ट बस एक नया है जो चीज़ है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। होलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान को, जैसे अगर कोई इंसान है जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए वो होलो इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, होलो इफेक्ट का मतलब ये हो सकता है कि उसकी डुप्लीकेट पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर अगर जिस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो होलो इफेक्ट वाला पर्सन भी उसी चीज़ से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन मतलब किस तरह से आप उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हो, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। ठीक है, थर्ड आता है यहाँ पे स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि जब हम उनको लिखते हैं, जब उनकी जब पर्सनैलिटी है उनके बारे में डिस्कस करते हैं तो उनको एक पेपर कोड पे या फिर जगह जगह पे हम लिखते हैं कि इस बंदे की पर्सनैलिटी अगर इस तरह से है, तो अगर हम कहीं लिखते नहीं है तो अपने माइंडसेट में ऐसा बना लेते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ठीक है, सपोज करो आपके आगे चार फ्रेंड्स हैं, चार फ्रेंड्स के बारे में अगर मैं पूछूं तो उनकी पर्सनैलिटी आपके ओपिनियन से अलग अलग होगी। कोई मान लो कोई रूड सा बिहेवियर करता होगा तो उसकी पर्सनैलिटी आपने अपने माइंडसेट में ऐसा लिख रखा होगा कि ये रूड है, ठीक है, इससे रूडली बात करनी है। कोई क्लोजली होगा तो उससे क्लोजली बात करनी है, तो इसको कहते हैं यहाँ पे स्टेनोटाइपिंग। देन उसके बाद आता है पर्सनैलिटी, ये सब आपको पता ही है। फिर आता है सिचुएशन। सिचुएशन डिपेंड्स करती है वो मूड्स पे, जो भी आपका पार्टनर है या जो भी आपका सामने जो खड़ा है पर्सन उसकी जो मूड से उस पर सिचुएशन डिपेंड करती है। सिचुएशन जो होती है उसके हिसाब से पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। देन लास्ट आता है प्री रिसीवर। प्री रिसीवर मतलब होता है हम सामने वाले बंदे के बारे में क्या सोचते हैं पहले से ही। ठीक है, तो ये थे इसके इंटरप्रेटिंग के कुछ इफेक्ट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद, यहाँ पे लास्ट पॉइंट रहता है प्रोसेस का हमारा एक्शन, जो मैंने आपको बताया था। एक्शन में क्या आता है, एक्शन इज द लास्ट प्रिसेप्शनल प्रोसेस, ये जो है लास्ट प्रोसेस है मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट से हमको ये पता चलता है कि सामने वाला जो बंदा है या बंदी हो कैसे है। एक्शन इज द रिजल्ट्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इमर्जिंग फ्रॉम द प्रिसेप्चुअल प्रोसेस, कह रहा है ये जो रिजल्ट आता है निकल के वही होता है। द एक्शन इज द मे ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन बिहेवियर, उसके बाद लिखा है प्रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्रीस रिसीवर, कह रहा है कि यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आता है वो कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड्स करता है सामने वाले बंदे के मूड्स पे कि वो किस तरह से प्रिसेप्शन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पे मेनली फोकस करने वाली जो प्रिसेप्शन में आती है। उसके बाद अब हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिसेप्शंस। 2.4 है यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिसेप्शंस, आप अपनी बुक में चेकआउट कर लेना।
तो देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑल द फैक्टर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू काइंड्स, दो काइंड्स के कैरेक्टर्स होते हैं जिनको बांटा गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यहाँ पे इंटरनल, सेकंड आता है हमारा एक्सटर्नल। दो तरह के फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर जो अंदर ही इफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर से इफेक्ट करते हैं किसी पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटरनल एक्सटर्नल आपको दिख रहा होगा मैंने लिख दिया। तो देखो इंटरनल जो होते हैं, इंटरनल को यहाँ पे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ये इनकी तीन कैटेगरीज जो मैंने आपके आगे लिख दिया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आती है नीड्स एंड डिजायर्स, मतलब कि आप समझ ही गए होंगे, जो हमें चाहिए उनकी नीड्स होती है, जिसको भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एन इंडिविजुअल परसेप्शंस अबाउट स्टिमुली एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटर एलिया हिज नीड्स एंड डिजायर्स एट, यहाँ पे लिखा है दैट टाइम, मतलब कि क्या होता है पर्सनैलिटी जो होती है ना वो अपनी नीड्स एंड डिजायर को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करती है, ज्यादातर लोग यही करते हैं। तो उनकी जो नीड्स एंड डिजायर्स है अगर उनको देख के काम किया जाए तो वो आराम से हमारे बारे में अच्छी थिंकिंग रखेंगे, परसेप्शन को अच्छा रखेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज आती है इंटरनल फैक्टर में पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में मैं हर बार बताता हूँ, जैसे कि क्लोजली रिलेटेड टू द नीड्स एंड डिजायर, ये जो है एक नीड्स और डिजायर के पास ही पास बिलोंग करती है, दोनों के दोनों एक जैसे मिलते जुलते भी हैं। इन द पर्सनैलिटी ऑफ प्री रिसीवर, ये प्री रिसीवर जो होता है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, विच अफेक्ट वट इज द अटेंड और प्री रिसीव्ड इन द गेनिंग सिचुएशन, गिवन सिचुएशन, मतलब कि अगर उनको कोई सिचुएशन दी जाए कि आपको इस सिचुएशन में ये काम करना है या फिर ये टारगेट दिया जाए तो वो किस तरह से उनको हैंडल करते हैं अपनी सिचुएशन को, तो ये जो है प्री रिसीवर का माइंडसेट होता है। तो इसमें यहाँ पे बताया गया उनकी पर्सनैलिटी को। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज सर्वर ऑन द बेसिक फॉर प्री रिसेप्शन, कह रहा है सर्वर और नॉलेज जो होता है ना, मतलब कि कंप्यूटर वाला ज्ञान बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो जो नॉलेज है, जो सामान्य ज्ञान है, वो किसी बंदे का कितने हद तक ठीक रहता है तो वो यहाँ पे चेकआउट करते हैं। इसमें आगे बोला है वाइल वन सक्सेसफुली एक्सपीरियंस इन होम्स हिज एंड हर, उसके बाद लिखा है प्रिसेप्शन एबिलिटी फेलियर इंड्रोड्स हर हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि ना किसी का भी प्रिसेप्शन जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके सक्सेसफुली जो एक्सपीरियंस है ना वो डिपेंड करता है उनके यहाँ पे मूड्स पे और उनकी एबिलिटीज़ पे। ठीक है, उनके फेलियर्स पे, मतलब कि कितने वो सक्सेस हो सकते हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, उनका जो मूड्स है वो किस तरह से है, उनकी जो काम करने की क्षमता है जो कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा। देन उसके बाद फेलियर देखना पड़ेगा कि वो फेलियर है या नहीं है। ठीक है, मतलब कि काम को अधूरा छोड़ने वाला बंदा तो नहीं है। देन उसके बाद आता है इरोड्स, फिर आता है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको कोई टारगेट दिया गया, काम दिया गया, तो आप अगर शुरू में ही माइंडसेट बना के रख लेते हो कि ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम, इससे नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पे क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, और आप उस काम को डेफिनेटली है कि या तो अधूरा करोगे या गलत करोगे या उसमें फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 2.4 में, ये यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो बाहरी रूप से इनको प्रभाव डालते हैं। तो उसमें 5-6 फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है साइज। ठीक है, साइज क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ साइज से दैट द लार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्या होता है एक साइज जो है ना एक ऑब्जेक्ट का ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो, अगर मैं छोटी सी बात बताऊं, एक आदमी है उसको मैंने बोला ये छोटा सा बॉक्स है इस पे पेंट करना है, ठीक है, तो वो बोलेगा ये चुटकियों में कर देगा। अगर इसी जगह मैं उसको एक घर के जितना, एक बुर्ज खलीफा के जितना बॉक्स ला के दे दूं, बोलूं इस पे पेंट करना है तेरे को, ठीक है, और मैंने बोला इस पे पेंट करेगा तो 200 रुपये मिलेंगे, बुर्ज खलीफा पे पेंट करेगा तो 2 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, 2 करोड़। उसने 2 करोड़ पहले क्या देखा, इस पे पेंट करने के 200 मिल रहे हैं, उसको पैसा ज्यादा लगा, उसने पहले क्या देखा, पैसा देखा, तो उसने ले लिया। ठीक है, सेकंड चीज, जब मैंने बोला बुर्ज खलीफा पे पेंट करना है तो उसने पैसे को नहीं देखा ज्यादा, उसने क्या देखा, वो देखो बुर्ज खलीफा कितनी बड़ी होती है। ठीक है, तो वो बोलने लगा मैं इस पे नहीं कर पाऊंगा पेंट। तो यहाँ पे साइज जो है मैटर करता है, डिपेंड्स ऑन द मूड्स एंड पर्सनैलिटी के ऊपर। उसके बाद द लार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट द मोर इज द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इज प्रीसेप्शंस साइज अटैच टू द अटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी एक बंदे को कोई काम कराने के लिए उसके माइंडसेट में साइज भी डिपेंड करता है। साइज अगर जैसा होगा उसके हिसाब से अगर रेट होगा तो वो सोचेगा, वरना वो पहले साइज देख के ही घबरा जाएगा। ठीक है, तो ये साइज है जो बताया मैंने आपको। सेकेंड आती है उसके बाद इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या चीज़ है, ये भी है, देखो कुछ नहीं आसान है। द इंटेंसिटी प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन, उसके बाद लिखा है स्टेट्स दैट द मोर इंटेंशन द स्टिमुली, मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ को करते हो, उसके काम करते हो, आपके प्रति लगन है उस काम को करने की, तो आप आराम से कर लोगे। अगर आप उसको करना ही नहीं चाहते तो आप उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपका इंटेंशन उस जगह पर नहीं है, अगर मैं सपोज करो एक बंदा है जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, उसको अपनी कंपनी में ला के काम समझाऊंगा वो समझ लेगा, एक लेबर को
लेके आता हूँ, कंपनी में काम समझाता हूँ, उसका इंटेंशन अगर उसमें नहीं है तो वो नहीं समझेगा और वो काम बैल की तरह करेगा। ठीक है, आगे बोलते हैं यहाँ पे, दे मोर लाइकली टू बी प्री रिसीव्ड। ये क्या होता है, एक माइंड थॉट की बात होती है। अब चाहे तो जो मैं लेबर लेके आया हूँ वो भी काम कर सकता है, समझना दोनों के पास एक जैसा, ये दिमाग एक जैसा है, समझ सकता है, मगर नहीं समझना चाहता तो वो उनके ऊपर बात करते हैं उनकी इंटेंसिटी का। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल में दो तीन रहते हैं, मैं वो भी लिखवाता हूँ तो आप इसको उतारो। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, फ्रीक्वेंसी रिसेप्शन। तो देखो, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे उसमें मैंने दो तीन आपको बताए थे, तो उसके दो तीन और रह जाते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी रिसेप्शंस, कॉन्ट्रास्ट, स्टेटस और मूवमेंट्स। ये सारे के सारे एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स के भी पार्ट होते हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, और ये सारे पार्ट्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनके पॉइंट्स लिखे हैं, आपको ज़्यादा इस पर ब्रीफली जाने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद अब हम आ जाते हैं 2.5 पे। 2.5 में लिखा है हाउ टू इम्प्रूव प्रीसेप्शंस। आप प्रीसेप्शंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, किस तरह से उनको बेटर कर सकते हो, अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं आपको बेटर करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे कि प्री रिसीविंग ओन सेल्फ एक्यूरेटली, अपने आपके जितने भी जजमेंटल है, जो भी अपने आपके थिंकिंग है, उनको एक एक्यूरेट वे में रखना चाहिए आपको। ठीक है, समझ लो, इन अदर्स वर्ड में अगर मैं बताऊँ, इन ऑर्डर टू प्री रिसीवर्स देन एक्यूरेटली, वन फर्स्ट नीड टू प्री रिसीविंग वंस ऑफ एक्यूरेट। सबसे पहले हमें उनको क्या है, हमको उनको लाइन से लगाने से पहले उनको लाइन से सोचना पड़ता है। ठीक है, उनके बारे में थिंकिंग अच्छी रखोगे तभी तो उनको बाद में लाइन से लगा पाओगे। ठीक है, प्रिसेप्शंस को हमेशा आप यही सोचते हो, देयर फॉर ऑन नीड्स टू इम्प्रूव मोर अवेयरनेस अबाउट हिम और हिम हरसेल्फ। मतलब कि अगर आप जिसके भी बारे में सोच रहे हो या फिर जिसके बारे में थिंकिंग कर रहे हो, चाहे वो हिम हो चाहे वो हरसेल्फ हो, उनके बारे में जो सोच रहे हो, तो उसके प्रिसेप्शंस, तो गुड थिंकिंग करोगे तो आपके गुड प्रिसेप्शंस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला बेस्ट चॉइस हो जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। सेकंड आ जाता है, सेकंड में यहाँ पे लिखा है जैसे कि इंप्रूविंग वन सेल्फ कंसेप्ट। वन सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, अपने आप को डिटरमाइन करना, बस अपने आप के बारे में सोचना, थिंकिंग करना। यहाँ पे लिखा है इट डेवलप्स ए सेंस ऑफ सेल्फ रिगार्ड एंड सेल्फ एस्टीम्ड। मतलब कि अपने बारे में सेल्फ रिगार्ड, अपने बारे में सोचना, सेल्फ एस्टीम्ड, और अपने बारे में कितना आप सोच सकते हो वो सोचना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए सेल्फ कॉन्सेप्ट। रिसर्च स्टडी सजेस्ट द पीपल हैविंग सेल्फ कॉन्सेप्ट टेंड टू प्रिजर्व देन मोर एक्यूरेटली। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर स्टडी में पाया गया है कि एक इंसान अपने बारे में अच्छी थिंकिंग करता है हमेशा, हमेशा चाहे वो गलत भी हो मगर वो अपने बारे में अच्छी थिंकिंग रखेगा, चाहे आप किसी से भी पूछ के देख लेना उसके बारे में, उसके जो डिसीजंस है वो अच्छे ही आपको पाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमारा बी एम्पैथिक। बी एम्पैथिक का मतलब क्या होता है, इसमें साफ सीधी बात बताऊँ, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। ठीक है, तो अगर इसी बात को मैं सिंपल नॉर्मल वर्ड में समझाऊँ, बिजनेस की लैंग्वेज में, एम्पैथी मीन्स टू बी एबल टू सी ए सिचुएशन। हमें ये देखने की जरूरत है कि हम अभी किस सिचुएशन में हैं, किस जगह पे अभी स्टैंड करते हैं, पॉइंट्स ऑफ व्यू कहाँ पे है हमारा, एंड इट इज़ द प्री रिजल्ट बाय अदर पीपल्स। और दूसरे पीपल के बारे में ये सोचना कि दूसरे पीपल जो है हमसे किस जगह पे बिलोंग करते हैं या फिर किस जगह पे उनकी अभी स्टैंडिविटी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सोचना पड़ता है। इन ए वे इट इज़ ए लाइक putting your feet in your other shoes। यहाँ पे लिखा है in it is like putting your feet in other's shoes। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि अपने पैरों को दूसरों के जूते में फंसाना। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, जिसके पास जैसे चादर आपके पास कम है तो आप अपने पैर समेट के रखो। जो लोग दूसरों तक चादर में फैला लेते हैं अपने पैरों को, तो बाद में वो फंस जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है हाउ टू इम्प्रूव प्रिसेप्शंस। अपने जो थिंकिंग है उनको इम्प्रूव कैसे किया जाए, अपनी चीज़ों को अपने तक कैसे सीमित रखा जाए। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, चौथा हमारा हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स। हमेशा एटीट्यूड्स को पॉजिटिव रखना चाहिए, कोई नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे ज़्यादा मायने रखता नहीं है, मगर पॉजिटिव क्यों रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अगर जो कस्टमर है या फिर जो ग्राहक है या फिर जो भी बंदा है या बंदी है या जो भी पर्सन है, उनको सबको पॉजिटिव एटीट्यूड्स में अगर आप समझाओगे तो वो समझना चाहेंगे। सपोज करो मैं जैसे अभी आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं ही आपको उल्टा सीधा बोल के समझाऊँ तो आप समझोगे नहीं समझोगे। ठीक है, फिर आप उसको छोड़ के लीव करके चले जाओगे वीडियो को। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी डिपेंड्स करती है। इसी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड्स मेक वन प्रिसेप्शंस पॉजिटिव टू मोर एक्यूरेट द मैनेजर नीड्स टू बाय
टू ओवरकम देयर पर्सनल बायोगेट्स। कह रहा है कि यहाँ पे अगर किसी भी बॉस को या एम्प्लॉय को किसी को खुश करना है तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड से आपके जो काम है वो आराम से बन जाते हैं, इजिली वे में बनते हैं। देयर पर्सनल बेसिस गेट्स रेड टू बी नेगेटिव फीलिंग्स, और किसी के सामने ये नहीं जताना चाहिए कि आपकी जो अंदर की फीलिंग्स है वो नेगेटिव वे में है। अगर नेगेटिव है तो आप उनको छुपा के उनको पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना सीखो। इफ़ एनी दे हैव बी अदर्स, और लोगों के सामने अच्छे बनो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये पर्सनैलिटी आपको सिखाता है डेवलप करने का तरीका। देन ये सारी तो बात होती रहेंगी, ये सारे तो हो गए कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमारा जो लास्ट मेनली कॉन्सेप्ट रह जाता है 2.6, प्रिसेप्शन एंड इट्स एप्लीकेशन इन ओबी। मतलब कि ओबी के अंदर प्रिसेप्शन का क्या काम होता है, ठीक है, और जो ओबी है उसके अंदर एप्लीकेशन, मतलब कि किस तरह के लोग्स को हम एंटर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं ओबी के अंदर प्रिसेप्शन वाले। तो द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन अमॉन्ग देयर थिंग्स इम्पल्स दैट वेयर होस्ट द इंडिविजुअल वर्क टुगेदर। ऐसे पर्सन, चाहे वो अकेले काम करते हो, चाहे वो ग्रुप्स के साथ काम करते हो, चाहे सोशल ग्रुप्स, फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स के साथ काम करते हो, सारे ही पर्संस को ओबी के अंदर कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। बट कंडीशंस क्या है कि उनकी जो मेंटली पावर है या थिंकिंग है जो वो बाकी से डिफरेंट और थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। तो ये इन्होंने बोलने की कोशिश करी है। आगे बताते हैं, फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल गोल्स, और अपने गोल्स को या ऑर्गेनाइजेशनल्स के उद्देश्यों को, जो उनके एफर्ट्स हैं, जो उनके मोटिव्स हैं, उनको पूरा फुलफिल करने के लिए आपको एक बेस्ट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो बेटर पर्सन बनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दे आर ऑलवेज जजिंग ईच अदर ऑन द कंटिन्यूस, यहाँ पर लिखा है बेसिस ऑन, यहाँ पर लिखा है, उसके बाद ट्राइज इज इवेलुएट him how to effort her and her co-workers in putting into his and her job। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ कहने का मतलब है कि अगर आप एक वर्कर हो, आप एक काम करते हो, आप कोई जॉब में बॉस हो, वर्कर हो, एम्प्लॉई हो, मैनेजर हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि आप अपने दूसरों के साथ किस तरह का बिहेव करते हो, दूसरों से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, किस तरह से बातचीत करते हो, सेटिस्फाई करते हो उनके साथ, इंटर्नशिप मतलब कि इंटरफेस किस तरह से करते हो, उनकी बातों को सुनते हो या नहीं सुनते हो, कितना ध्यान से सुनते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती है एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आपको बेटर बनाने के लिए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं 4-5, वो भी मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं, देन उसके बाद आपका चैप्टर मोस्टली फिनिश्ड। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, उसको भी तो इसको आप उतारो। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे रीड आउट कर दिया, लिख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बारे में। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है? तो देखो, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है, जब किसी भी पर्सन को जॉब में रखा जाता है तो उससे पहले उसका इंटरव्यू लिया जाता है। वो किस लिए? क्योंकि ये जानने के लिए कि उसके अंदर वो एबिलिटी है जो उन्हें चाहिए, जो वो फुलफिल कर पाएगा, तो इसलिए उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यू मेक्स प्रिसेप्शनिस्ट जजमेंटल डेट आर ओफन इन एक्यूरेट डिफरेंट प्रिसेप्शन इंटरव्यूज ट्राई टू सी डिफरेंट थिंग्स इन द सेम कैंडिडेट। अब यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सेम कैंडिडेट, कैंडिडेट सेम होता है मगर इंटरव्यूअर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रिसेप्शन इंटरव्यूज ट्राई टू डिफरेंट थिंग्स, वो क्या करते हैं, उस बंदे को उकसाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरह से क्वेश्चन जवाब पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि वो बंदा जो है अटक जाए। और अगर वो ये देखते हैं कि इसका माइंडसेट जो है कितने हाई लेवल का है, ठीक है, तो अगर वो सारे टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उसको जॉब में नीड्स हो जाती है, तो उसको सेटिस्फाई होकर जॉब में ज्वाइनिंग मिल जाती है। देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लिखा है थस अराइव्स एट ए डिफरेंट प्रिसेप्शन अबाउट द सेम कैंडिडेट हु आर थिंकिंग इज ए गुड कैंडिडेट आर हु अनदर थिंकिंग इज ए बैड एंड मे डिफरेंट मार्केटिंग। यहाँ पे इन्होंने लिखा है दो चीज़ें होती है कैंडिडेट के अंदर। पहला, जब कैंडिडेट को ये पता चल जाता है, जब वो ये थिंक कर लेता है कि उसको सिलेक्ट करा जाएगा, वो सारी चीज़ें ठीक बता रहा है, वो गुड है उनके लिए, तो वो है ना ओवर सेटिस्फाई होके, ओवर जब कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वहाँ पे वो गलतियाँ भी कर देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, कैंडिडेट आर हु अनदर थिंक्स ए बैड एंड मे डिफरेंट मार्केटली, और जो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, और ये सोचते हैं कि हमारा ये अभी हो नहीं पाएगा, तो वो जो है मार्केट में क्या हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं आगे, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड जो चीज़ आती है उसका नाम है यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रिशियल। परफॉर्मेंस अप्रिशियल क्या होता है, मार्केट में कैंडिडेट्स को जब ओबी में रखा जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस जो देखी जाती है। इन प्रैक्टिस एन एम्प्लॉई फ्यूचर इज क्लोजली टाइड टू ऑन हिज परफॉर्मेंस, किसी भी एम्प्लॉई को उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी देखी जानी चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से है और किस तरह से वो आगे बिहेव करता है, ठीक है।
अप्रिशियल प्रमोशंस पे राइज एंड कॉन्फिडेंस, यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए जॉब आर द मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉमन आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। और ये चीज़ देखी जाती है कि अगर मान लो कोई किसी को कोई वर्क दिया, मान लो ये छोटी सी एक जॉब है, ठीक है, मान लो ये पर्सन है और इसके लिए यहाँ पे मैंने एक जॉब दी, ठीक है, मैंने इसको कहा कि ये जो आदमी है इसको ये काम करना है पूरा का पूरा, तो जब ये इसको पूरा काम कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, जो बॉस होगा इसका, जो ऊपर बॉस होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या थिंकिंग आएगी कि ये जो आदमी है ये अच्छा काम करता है तो इसको वो रखेगा, आउटकम्स देगा इसको, ठीक है। तो ये जो थिंकिंग हो जाती है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रिशियल, मतलब कि परफॉर्मेंस के हिसाब से जज करना किसी को भी। देन उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे एम्प्लॉई एफर्ट्स। एम्प्लॉई एफर्ट्स क्या होते हैं, एक ओबी में काम करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एफर्ट्स जब तक आप नहीं करते, जब तक आप अपना सक्सेस गोल अचीव नहीं कर पाते, यहाँ पे लिखा है द लेवल ऑफ एन एम्प्लॉई परफॉर्मेंस इज एन गिवन हाई इंपॉर्टेंस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, किस लिए, यहाँ पे लिखा है हैंस एन एम्प्लॉई फ्यूचर इन ए, यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन हर एंड हिज एफर्ट, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल है, जो भी संस्था है, वो सारी की सारी उस एम्प्लॉई के एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। अगर आपकी जो कंपनी है उसमें टर्नओवर है 50 करोड़ का, ठीक है, मान सकते हो 50 करोड़ का अगर टर्नओवर है, तो उसमें क्या होता है, उस केस में आपको एम्प्लॉई ज़्यादा रखने पड़ेंगे, सबको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। एक दिन में मान लो 2 लाख यूनिट्स का काम होता है, ठीक है, 2 लाख यूनिट का काम होता है, कब होता है, जब एम्प्लॉई एफर्ट करेगा। एम्प्लॉई एफर्ट नहीं करेगा, कोई आलस करेगा, तो वहाँ पर 2 लाख यूनिट का काम नहीं हो पाएगा, वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 1 लाख यूनिट का काम, जिससे क्या होगा, वहाँ पर एम्प्लॉई कम काम कर रहे हैं तो आलसी दिख रहे हैं, तो वहाँ पर कंपनी जो है नीचे 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 धीरे धीरे नीचे चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, अपने गोल सक्सेस को पूरा करने के लिए, मेड ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को फुलफिल करने के लिए। तो अब इसके बाद हमारा जो है लास्ट टॉपिक रह गया पूरे चैप्टर का, उसके बाद लिखा है एम्प्लॉई लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब होता है ईमानदारी। एक तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी जगह आप काम करते हो, किसी बॉस के अंडर काम करते हो, तो विश्वास बनाए रखना कि बॉस आपके ऊपर विश्वास रखे, तो इसके लिए आपको लॉयल्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लॉयल्टी में यहाँ पे लिखा है मैंने द मैनेजर आल्सो मेक्स अनदर इम्पोर्टेंट डिसीजन वेदर द एम्प्लॉई आर लॉयल। जो बॉस है वो अपने डिसीजन अलग अलग तरह से कब लेता है, जब एम्प्लॉई पता चलता है कि लॉयल है या नहीं है। सपोज करो मालिक ने आपको पहले छोटे से काम दिया 10 रुपये, मैंने उसने बोला कि आपको ये चीज़ करके आनी है, वो आपको हो सकता है बड़ा टारगेट देता, मगर आपने जब 10 रुपये का सामान लेने गए उसके लिए आपने 8 रुपये का बता के और 2 रुपये अपनी जेब में रख लिए और बोला कि 2 रुपये हमारे खो गए, उसने 10 ही ले लिए पूरे, ठीक है। तो ये काम अगर आप करते हो तो जो एम्प्लॉई है वो क्या है, लॉयल नहीं है, तो इसलिए जो बॉस है उसको कोई बड़ा काम या बड़ी अचीवमेंट वाला काम नहीं देता। तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट का लॉयल होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद टू ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संस्था, संस्था के लिए एम्प्लॉय होना, लॉयल होना ज़रूरी है। उसके बाद एज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में अगर समझाऊँ, लुकिंग फॉर ग्रेनर, यहाँ पे लिखा है उन्होंने पेस्चर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में भी लेबल्ड एज, यहाँ पे लिखा है डिसलॉयल्ट एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो कोई ग्रेनर है, कोई लालची टाइप का आदमी है, ठीक है, जिसको ना लॉयल्टी बिल्कुल पसंद नहीं है या फिर वो मतलब कि धोखाधड़ी करता है, तो उस टाइप के आदमी में या उस टाइप के केस में जो है ना डिसओबिलिटी या फिर डिसलॉयल्टी बढ़ जाती है। इस टाइप के इंसानों को ओबी में शामिल नहीं किया जाता, तो इस पर्सनैलिटी वाले लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, ठीक है। तो ये थे इनके कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए, हाउ टू इम्प्रूव इन ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, प्रिसेप्शंस को कैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से उनको चेकआउट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है पूरा का पूरा आपका प्रिसेप्शन चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाता है, यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड हो गया कंप्लीट। अब बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, यूनिट सेकंड के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा समझ आ गया होगा। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं या कोई दिक्कत है तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है हमारी टीम का, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, आपकी सारी दिक्कतें दूर करी जाएगी। नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स भी आप नीचे कमेंट करके मतलब बता सकते हो, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। चैप्टर के नोट्स रेडी होने वाले हैं, जल्दी हो जाएंगे तो आप कर सकते हो परचेज, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो चैप्टर आपका खत्म हो गया, मैं बुक वाइज लाइन वाइज सारे चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। अगर किसी को लगता है और किसी बुक के क्वेश्चन चाहिए या चैप्टर चाहिए तो वो भी प्लीज़ बताना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना और अपना नाम जरूर कमेंट करना एक बार, ताकि मेरे को पता चले मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके असली नाम क्या है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।